प्याज प्लेज वगैरह जो है वो सब संस्कृत में होगी। तो आप सब सुनिए, बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि संस्कृत में अच्छी ढंग से क्लियर की जाए और साथ में प्लेज भी। हेलो एवरीवन, तो आज का ब्लॉग जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ। दिन में लगभग 12 बज रहा है और मुझे अब थोड़ा सा टाइम मिला है, कल तो टाइम ही नहीं मिल पाया था तो आज समय मिला है। तो आज मैंने सोचा कि आपको अपने स्कूल का मैं दिखाती हूँ, सुंदर सा ब्यूटीफुल फ्लावर गार्डन कि कितने सारे एक से एक जो सुंदर से फ्लावर है हमारे स्कूल में खिले हुए हैं। कुछ समय पहले मैंने आपको दिखाए थे फ्रूट्स खिले हैं और कुछ फल जो रह गए थे वो, और साथ में कुछ जो फ्लावर्स हैं वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखो पीछे का जो व्यू है, कितनी हरियाली दिख रही है पीछे को, खूब पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहता है मौसम और काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है स्कूल का चारों तरफ का, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। देखिए पेड़ पौधे लगे हुए हैं जगह जगह पर, काफ़ी सुंदर यहाँ पर लगता है। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने स्कूल के ब्यूटीफुल से फ्लावर्स, कितने सुंदर लगे हैं। अभी बहुत सारे खिलने बाकी हैं, कुछ खिले नहीं हैं अभी, तो जब फूल खिलेंगे वो भी अच्छे लगेंगे। फ़िलहाल जितने हैं मैं उतने दिखाती हूँ। और साथ में ये स्ट्रॉबेरी भी मिली है यहाँ गार्डन पर लगी, साथ में ये स्ट्रॉबेरी जो कि गार्डन पर लगी थी तो एक मैंने उसमें से तोड़ी है खाने के लिए, खाने के लिए नहीं, चखने के लिए। ज़्यादा नहीं लगी है, एक दो ही लगी हैं। तो चलो आपको ले चलती हूँ कि पीछे का कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि स्कूल और घर, यही मेरे मतलब हमारी जो लाइफ है, लाइफ का एक पार्ट है, इसे हम अपना सेकंड होम कह सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर रहना, यहाँ के बारे में बताना अच्छा लगता है, मे बी कि आप भी इंजॉय करते हो इसको, तो देखते रहिएगा। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने स्कूल का फ्लावर गार्डन कि कितने सारे फ्लावर्स जो हैं वो स्कूल में खिले हुए हैं। एक्चुअली इससे भी ज़्यादा खिले हुए थे, पर स्कूल की जो नई बिल्डिंग बनी उस वजह से काफ़ी सारा जो एरिया है वो थोड़ा सा उस बिल्डिंग के लिए यूज़ हो गया, तो वहाँ के जो फ्लावर्स थे काफ़ी अच्छे, खूब अच्छे वहाँ पर बड़े बड़े फ्लावर्स खिले थे, रोज वगैरह काफ़ी सारे थे, तो वो सब थोड़े ख़त्म हो गए। पर फ्रंट की साइड में अभी भी बहुत सारा जो है एरिया है और जिसमें काफ़ी सुंदर जो है फ्लावर्स लगाए हुए हैं। अगर आप जिरेनियम देखेंगे तो जिरेनियम की भी कई सारी जो है इसमें कलर हैं, जैसे पिंक है, वाइट है, रेड है, और रोज भी, ऑरेंज भी है, रेड भी है, येलो भी है, तो कई सारे रोज हैं। ये है हाइजेंड्रिया, तो हाइजेंड्रिया जो है ये अभी पूरा खिला नहीं है, जब ये पूरा खिल जाता है तो और सुंदर लगता है। आपको दिख रहे होंगे कि कई सारे जो फ्लावर्स हैं वो अभी कुछ तो गिर भी गए हैं, धूप से सूख भी गए हैं, पर बहुत अच्छे अभी भी खिले हुए हैं। कई सारे अलग अलग कलर के, अलग अलग वैरायटी के जो फ्लावर्स हैं वो यहाँ पर लगाए हुए हैं। एक्चुअली इन सब की जो देखभाल है वो बच्चे, टीचर्स जो हैं सब, और जो हमारा स्टाफ है मेनली ऑफिस स्टाफ, वो सब मिलके करते हैं। बच्चे जो हैं कई बार स्टार्टिंग में बच्चे अपने बर्थडे पर उन्होंने कुछ पौधे लगाए थे तो उसकी देखभाल वो स्पेशली करते हैं। यहाँ पर देखो इसके साथ साथ जौ भी लगे हुए थे तो बच्चे स्पेशली उनकी देखभाल करते हैं, कई बार खाद लाते हैं। और इको क्लब से में और पर्यावरण में जो है ये पौधे स्पेशली इनके लिए गमले लगाए गए थे और इनकी देखभाल की जाती है जिससे कि ये काफ़ी अच्छे ग्रो करते हैं। कभी जब ज़्यादा बारिश हो जाती है, कोहरा वगैरह, तब तो नहीं हो पाते। इसमें ये देखिए घंटी वाला पौधा है, इसे कहते हैं घंटी वाला फूल, इसमें नीचे को घंटी की तरह लटकते हैं। और कई बार तो क्या होता है कि ये एक्चुअली ये जो पौधे हैं ये सर्दी वाले सीजन में ज़्यादा सर्वाइव करते हैं तो काफ़ी अच्छे खिले हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा कई सारे जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के अलावा यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स जो हैं जो सजावटी टाइप के होते हैं और जो
कैक्टस टाइप के होते हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं कई सारे। कुछ तो खत्म भी हो गए क्योंकि दूसरे मौसम के जो फ्लावर्स होते हैं वो हर जगह सरवाइव नहीं कर पाते, कुछ गर्म में कुछ ठंडे में, लेकिन फिर भी कोशिश की गई है कि ये फ्लावर्स लगे रहें और इनकी समय समय पर देखभाल भी की जाती है। पानी डालना है, जैसे ज्यादा धूप हो गई तो इनमें पानी डालना, या कभी इनके जो वेडिंग्स हैं, इनकी खरपतवार जो है वेडिंग्स वगैरह वो सब निकालना, घास वगैरह तो करते हैं बच्चे। पर्यावरण में कभी कभी इनकी देखभाल भी करते हैं, पानी वगैरह डालते हैं कभी कभी, क्योंकि उनका पीरियड है पर्यावरण का। ये देखो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी भी लगाई है, एक्चुअली मैम ने लाके 3-4 पौधे यहाँ पर लगाए थे पर कुछ ही सर्वाइव कर पाए हैं या ज्यादा नहीं कर पाए। दो इसमें दो स्ट्रॉबेरी भी लगी है, एक्चुअली ये अंदर छुपी हुई थी तो किसी को दिखी नहीं है शायद बहुत दिनों से, तभी ये रह भी गई, अदरवाइज ये अभी तक खत्म हो गई होती। ये देखिए कई सारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं कैक्टस टाइप के, ये यहाँ पर कई सारे लगे हुए हैं, तो बच्चों ने जो है कई अपने बर्थडे पर बच्चों ने लाके लगाए थे। अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हैं, सब अपने अपने घरों से लेके आए इधर उधर से, और कुछ टीचर्स के घरों में जो लगे हैं वो भी लेके आए, तो उनकी देखभाल भी की जाती है समय समय पर। कभी जब ज्यादा बारिश हो जाती है तब ये खराब भी हो जाते हैं ज्यादा पानी से, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है कि इनको थोड़ा सा केयर किया जाए ताकि ये जो इसकी ब्यूटीफुलनेस है वो बनी रहे, सुंदरता बनी रहे। देखिए कितने अच्छे गमले जो हैं इको क्लब से लाए गए थे ये गमले, और इनमें ये जो पौधे हैं ग्रीन प्लांट्स ये लगाए गए हैं ताकि जो है अच्छा लगे, देख के अच्छा लगता है। हरियाली और फ्लावर्स तो हर किसी को अच्छे लगते हैं, तो इस ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देख के भी अच्छा लगता है, और जब लगता है हमें कि हमने ये पौधा लगाया था और ये अभी अच्छा हो गया है, ये बड़ा हो रहा है, इसमें फूल खिल रहे हैं, तो सभी को अच्छा लगता है। अलग अलग वैरायटी के जो पौधे हैं वो लगे हैं, और स्कूल की हरियाली जो है इससे बनी रहती है। ये वाला जो पौधा है ये काफी ज्यादा खिलता है, अभी इसका टाइम कम हुआ है, अभी खिलेगा, ये देखिए ये पौधे में आने वाला है, अभी खिलने वाला है हाइजेंड्रिया। और इधर पर ये पिंक और जो है येलो मिक्स जो कलर है उसका ये रोज है, बहुत सुंदर ये बड़ा पौधा था। इधर पर लगे हैं अखरोट, अखरोट का बड़ा पौधा है ये, काफी छोटा था एक्चुअली पहले स्टार्टिंग में, अभी 2-4 साल हो गए से तो ये काफी बड़ा हो गया, और इसमें खूब सारे अखरोट लदे हुए हैं। ये देखिए आप देखेंगे तो कई सारे इसमें अखरोट, बहुत बहुत ज्यादा अखरोट आए हैं इसमें। जब बड़े होंगे तो सबको भिजवाऊंगी, सब लोग खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे। ये देखिए खूब सारे अखरोट इसमें खूब लगे हुए हैं, अखरोट ये खूब अखरोट लगे हुए हैं, देख के अच्छे लगते हैं, हरियाली भी अच्छी लगती है और पेड़ पौधे तो सभी को अच्छे लगते हैं। और ऊपर यहाँ पर एक नींबू का पेड़ है, एक्चुअली नीचे नीचे के नींबू तो टूट गए सब, ऊपर के जो है वो काफी ऊपर है तो वो उन्हें कोई तोड़ नहीं पाए, देखिए ऊपर को लगे हैं 3-4 नींबू अभी भी पेड़ पर लगे हुए हैं, देखने में अच्छा लगता है। बस और अब तो उनको देख कर ही जो है हमें तसल्ली करनी पड़ती कि लगे हैं, अच्छा भी लगता है, क्या करें उन्हें तोड़ कर, ऊपर बहुत ऊपर है। साथ में चंपा चमेली ये सब भी कई सारे और जो फ्लावर्स हैं वो खिले हुए हैं, फूलों को देखकर सभी को अच्छा लगता है। और हमारे स्कूल का गार्डन आपको कैसा लगा, जो फ्लावर्स हैं एक्चुअली ये बहुत अच्छा था, अभी थोड़ा स्पेस की कमी हो गई है तो थोड़ा सा इसमें वो हो गया है, अदरवाइज इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता था ये, लेकिन अभी थोड़ा सा स्पेस की कमी होगी, फिर भी कोशिश की गई है कि इसे मेंटेन किया जाए, कितनी जितने जितना कर सकते हैं उतना इसको करते ही हैं। अलग अलग वैरायटी के हैं, मुझे तो सारे फूलों के नाम भी पता नहीं है, पता नहीं क्या क्या नाम है इनके, पर मैंने दिखा दिया। अब इधर लंच टाइम हो गया हमारा, लंच टाइम में सब बैठे हैं स्टाफ रूम में, साथ में बैठ के सब लोग लंच करते हैं, क्योंकि वही समय होता है आधे घंटे का समय कि जब नया फैशन है, ये देखो अपना खा सूट के साथ में सारा ये जेवर लेके आई है, आज तो ये माला माल होके आई है हमारी भोजन माता, देखो करते हैं खाना है।